इस महीने का 6 तारीख को सुबह बसव कल्याण टाउन के नेक्स्ट्रो फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड बैंक से बैंक में एक चोरी हुआ था। उसमें से कुल 10,83,645 रुपीज़ कैश का चोरी हुआ था। हमारे बसव कल्याण टाउन में एक क्राइम भी रजिस्टर हुआ उसके ऊपर। तो हमारे CPI बसव कल्याण श्री गोपाल नायक और उनके टीम PSI टाउन श्री अमर कुलकर्णी और PSI बसव कल्याण रूरल श्री किरण धोत्रे और उनके स्टाफ सब कुल करके ये बहुत ही कम समय में ये केस को डिटेक्शन करने में कामयाब हुआ है। टोटल 10,40,000 रुपीज़ कैश रिकवरी हुआ है और 2 आरोपी है इसमें, दोनों को अरेस्ट किया गया है और इसमें एक कार भी जब्त हुआ है। तो एक कार दोनों आरोपी उनके फ्रेंड से लेके आए थे और ये ऑफेंस के लिए उस कार का भी इस्तेमाल किया गया था। तो उसको भी हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिकवर किया है, सीज किया है। विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये केस डिटेक्शन हुआ है और रिकवरी भी ऑलमोस्ट 100% रिकवरी किया है। बहुत ही अच्छा कार्रवाई किया है हमारे इंस्पेक्टर एंड हमारे PSIs एंड आवर स्टाफ और सुपरविजन भी हमारे DSP उमनाबाद और हमारे एडिशनल SP अच्छे तरह से सुपरविजन करके उनको टाइमली इंस्ट्रक्शन देके बहुत अच्छा सक्सेसफुल केस इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। थैंक यू। कहाँ के रहने वाले थे? ये उमनाबाद तालुक वाले हैं, दुबलगुंडी के रहने वाले हैं। अरेस्ट अल विद मतलब उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया पहले सस्पिशन के आधार पर, तो उनको इधर बुलाया गया। जब उनका इंट्रोगेशन चल रहा था दे कन्फेस टू द ऑफेंस, टू कमिटिंग द ऑफेंस, तो कन्फेस किया इधर ही, तो इधर ही अरेस्ट किया और उनका मतलब जहाँ पे वो गया है और जहाँ पे वो तिजोरी जो यहाँ से चोरी करके गए थे और जहाँ पे वो डिस्पोज किया गया है वो हर जगह ले जाके वहाँ पे पंचनामे भी किया है। तो अरेस्ट स्टेशन में ही हुआ। आपको शक कैसा हुआ कि उनके किस बेसिस पे शक? हमारे इन्फॉर्मेंट से और वहाँ का मतलब जो भी काम किया है पहले उस बैंक में और जो भी काम कर रहे हैं तो वो सबसे पूछताछ किया गया और इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन भी लिया। तो कुछ लोगों के ऊपर शक आया तो उनको उन सबको बुला के इंट्रोगेशन किया हमारे इंस्पेक्टर हु इज़ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो उससे तो पूछताछ से पता चला ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರದ್ದು ಜೊತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಡನಾಟ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಹಳೆ ಕೇಸಸ್ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.